तस्वीरें बताता हूँ आपको कि ये खातीपुरा है, और यहाँ पर आप देखिए कि खातीपुरा के अंदर यहाँ पर सड़क जाम कर दी गई, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा, मार्केट पूरा बंद करा दी गई। आप जहाँ पर भी देखेंगे चौराहे पर टायर जल रहे हैं, लगातार जगह जगह पर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर लगातार इन सड़कों पर निकले हुए हैं, और जगह जगह पूरी ये सड़क है, पूरी सड़क यहाँ से आप पीछे देखेंगे तो पीछे ब्लॉक कर दी गई है, और आगे की तरफ जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, जगह जगह पर जगह जगह पर। महिपाल सिंह मकराना, महिपाल सिंह जी, ये गुस्सा इतना क्यों? हमारा नेशनल लेवल का एक आदमी चला जाता है, इनपुट है बठिंडा जेल से 9/3/2023 का, डीजी के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, फिर हम हमारा आदमी खो देते हैं, तो फिर भी अगर ये आक्रोश नहीं होगा तो कैसे होगा? हमारे व्यक्तियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। 3 साल से वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे सुरक्षा आप लोग दें, सरकार मुझे सुरक्षा मुहैया कराए, और फिर भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो डीजी को निलंबित कीजिए, यहाँ का ऑन टाइम डीजी कोई काम का नहीं है, नाकारा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस लेवल पे ख़राब हो जाएगी, उसको मालूम नहीं है शायद, या मालूम है तो फिर उसको डीजी बनने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय खुद अशोक गहलोत के पास था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे व्यक्ति को जानबूझ के मरवा दिया, उनके सरकारों में क्या क्या हुआ पूरा देश ने जाना है। एक RPSC का मेंबर बना दिया, उसमें उनकी पूरी सरकार ने हायतोबा किया, दिल्ली में जाके उनका प्रदेश अध्यक्ष जाके बोल रहा है मैं इस्तीफा दूंगा, तो वो किस मानसिकता के लोग रहे होंगे जो हमारे समाज के खिलाफ बार बार ऐसी घृणित षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र के तहत हुआ, ऐसे नहीं मरा है। षड्यंत्र क्यों, ऐसा आपको क्यों लगता है कि षड्यंत्र हुआ? AK-47 अगर वो कबाड़ रहे हैं मारने के लिए, इनको मालूम है AK-47 कोई छोटी चीज नहीं होती है, AK-47 मतलब आप आतंकवादियों के पास मिलती है, और बकायदा आतंकवादी ग्रुप इनको घोषित किया जा चुका है, NIA अभी तक नहीं आई है। सीधो मूसेवाला में यही ग्रुप था, वहां NIA गई थी, यहाँ NIA क्यों नहीं है अभी, और अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? नई सरकार आ गई, उसका चेहरा नहीं है, यहाँ का राज्यपाल वो कदम उठा सकता है, अभी के अभी DG को 1 मिनट में पदमुक्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है, इनकी मानसिकता होनी चाहिए। और जब तक नहीं होगा, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, उनको सजा के क्यों बिठा रखा है? बिरयानी खिलवाएंगे, हमारी छाती में मूंग डलवाएंगे, फिर ये बैठ के वापस से वो लोगों को मरवाने के लिए सुपारियां लेंगे अंदर बैठ बैठ के, और फिर कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचेंगे। ऐसे लोगों को पकड़ के उसी टाइम इनकाउंटर करते, यूपी की तर्ज पे हम लोग इनका स्वागत करते, नई सरकार का स्वागत करते, नई मुख्यमंत्री का स्वागत करते। अब जो भी मुख्यमंत्री, पहले शपथ नहीं होगी, पहले इंसाफ होगा और फिर शपथ ग्रहण होगी। आने देंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, ये सोच रहे शपथ ग्रहण कर ले, शपथ ग्रहण हमसे पूछ के ही होगा, बकायदा दो दो हाथ करने पड़े करेंगे। ये वही करनी सेना जो पद्मावत में थी, ये वही करनी सेना जो अनपाल इनकाउंटर में थी। सुखदेव सिंह एक आदमी गया, हर एक व्यक्ति सुखदेव सिंह है। हम जो मरने मारने वाले लोग हैं, सर कटाने से डरने वाले लोग नहीं है, हमारा इतिहास है और मरने मारने का ही है। हम नहीं चाहते अगर अराजकता हो, हम नहीं चाहते ये देश जले, हम नहीं चाहते राजस्थान में कुछ उपद्रव हो, पर अगर इनका फेलियर है प्रशासन की, बकायदा इसमें उनकी जिम्मेदारी रहेगी अगर यहाँ कुछ हुआ तो। पुलिस लेकिन दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया, पुलिस ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया, ऐसी जानकारी है पुलिस की ओर से अभी नहीं आया। क्यों, मेहमान है पुलिस के, वो कहीं के मेहमान है, हमारे यहाँ के जवाई लगते हैं, क्यों पकड़ के हिरासत में लिया, ठोक देते और मैसेज करवा देते 2 मिनट में कि इनकाउंटर हो गया। जब वो यहाँ ताबड़तोड़ सैकड़ों गोलियां चला सकते हैं, तो पुलिस को तो यही बोलना था हम पे फायर किया, हमने उल्टा फायर किया, मारे गए, उनके क्या पकड़ के सजा के दूल्हे की तरह लेके आ रहे हैं हमारे पास, पकड़े गए तो सामने पेश करें, इनकाउंटर करें, हम इंतजार कर रहे हैं उनके स्टेप का, स्वागत करेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगी, उठ जाएंगे, 1 सेकेंड में पूरा सब कुछ बवाल बंद हो जाएगा। महिपाल सिंह मकड़ा बोल रहा है, श्री राजपूत करने सर राष्ट्रीय अध्यक्ष, पर करे तो सही, मानसिकता नहीं है, हमारे लोगों को केवल डराने धमकाने मारने का यही षड्यंत्र कर रही है सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP आने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, BJP हमारे कारण से, अब की बार पिछली बार 3 राज्यों में साफ किया था, इनको लगता है गलतफहमी तो हमारे कारण से यही है, और अगर इनको लगता है राजपूत समाज के साथ BJP है, BJP को लगता है कि BJP ने राजपूत समाज का साथ दिया है, हमारे लोग हैं, तो फिर हमारी मानसिकता के हिसाब से ये काम करें और बाकायदा हमारे लिए ये मैसेज दें कि हम आपके साथ हैं। महिपाल वो कह रहे हैं कि एक्शन दिखना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं इनकाउंटर होना चाहिए था आरोपियों का, वो ये कह रहे हैं कि DGP को निलंबित किया जाना चाहिए था,
सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए।